पूरे देश में घूम घूमकर दिल्ली मॉडल की कहानी बताने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली महिला पहलवान ने खोल दी है। महिला पहलवान दिव्या काकरान ने पूरे देश को बताया कि अरविंद केजरीवाल के वादे कितने झूठे होते हैं और उनका दिल्ली मॉडल व खेलों के लिए बनाया गया उनका सिस्टम भी कितना धोखे से भरा हुआ है। दरअसल इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या काकरान ने ब्रांज मेडल जीता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी थी। लेकिन दिव्या काकरान ने अरविंद केजरीवाल की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना दर्द बयां किया। दिव्या ने ट्वीट किया, मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनामी राशि नहीं दी गई और कोई मदद नहीं दी गई। दिव्या ने आगे कहा, मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर भी किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। दिव्या के ट्वीट के बाद उनका बयान तुरंत वायरल हो गया और लोग केजरीवाल को लानते भेजने लगे। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने कहा था कि हमारा मकसद है कि हम अपने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग दें। केजरीवाल अक्सर कहते रहते हैं कि दिल्ली में खेलों का एक नया और शानदार सिस्टम विकसित हो रहा है, पर इस सिस्टम की पूरी पोल दिव्या के एक ट्वीट ने खोल दी। लेकिन केजरीवाल दिव्या की सुनेंगे इसमें अभी भी संदेह है, क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं है जब दिव्या काकरान ने अरविंद केजरीवाल से अपनी शिकायत की हो। साल 2018 में एशियन गेम्स में जब दिव्या काकरान ब्रांज मेडल लेकर आई थी तब भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना दर्द जाहिर किया था। तब उन्होंने कहा था, मैंने 19 साल की उम्र में देश को गोल्ड मेडल दिलाया और लगातार दिल्ली को 12 मेडल दिए। आपने कहा था कि मुझे भविष्य में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड समेत 12 मेडल हासिल किए। 23 साल की दिव्या काकरान ने ब्रांज मेडल मुकाबले में टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमा लियर को 30 सेकंड में ही चित कर दिया। दिव्या काकरान को 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की ब्लेसिंग ओबो रुडुडू से तकनीकी श्रेष्ठता 0-11 के आधार पर हार का सामना करना पड़ा था। बाद में ब्लेसिंग ओबो रुडुडू ने फाइनल में जगह बना लिया, जिसके चलते दिव्या को रेपचेज खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने लगातार 2 मैच जीतकर ब्रांज मेडल पर कब्जा जमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्थ चटर्जी जैसे करीबियों का भांडा फूटने और आखिरकार जेल चले जाने की कसक अब भी ममता बनर्जी के मन में है। यही वजह है कि पार्टी नेताओं के दबाव में उन्होंने पार्थ चटर्जी को पार्टी से बाहर करना पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ घोटालेबाज मंत्रियों को भी पद से हटाना पड़ा। यह सब करने के बाद ममता बनर्जी अब उन लोगों की खबर लेनी शुरू कर दी है जिन्होंने पार्थ चटर्जी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उन पर दबाव बनाया। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष को पार्थ चटर्जी के खिलाफ बयानबाजी करने पर 14 दिनों की रोक लगा दी है। अब कुणाल घोष पार्थ चटर्जी के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे। हाल ही में कुणाल घोष ने कहा था कि पार्थ को एहसास होना चाहिए कि जेल में कैसा महसूस होता है। उन्होंने आगे कहा था कि अब मैंने अपनी जिंदगी जेल में बिताई है, पार्थ को भी ऐसा करने दिया जाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद पार्थ चटर्जी को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कुणाल घोष पार्थ के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे थे। पार्थ को टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद भी राज्य सचिव और प्रवक्ता कुणाल ने उन पर हमला जारी रखा था। उनकी बयानबाजी के बाद अब पार्टी ने उन्हें 14 दिनों तक सेंसर करने का फैसला किया है। पार्थ चटर्जी के निलंबन से पहले कुणाल घोष ने कहा था कि पार्थ को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कुणाल घोष ने कहा था कि पार्टी को लगता है कि मेरा बयान गलत है तो पार्टी को मुझे हटाने का पूरा अधिकार है, मैं हमेशा टीएमसी का सिपाही रहूंगा। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं, वो चाहती हैं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने कहा था अगर पार्थ दोषी साबित हो जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय राउत अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ईडी संजय राउत से पूछताछ करने की तैयारी में है। वजह यह कि संजय राउत ने जेल में रहते हुए सामना के लिए अपना कॉलम लिखा जो प्रकाशित भी हुआ। अब ईडी यह जानना चाहती है कि आखिर जेल में बंद राउत ने अपना कॉलम कैसे जेल से बाहर भेजा। अगर नहीं भेजा तो राउत को यह बताना पड़ेगा कि किसी दूसरे ने उनके नाम पर कॉलम लिखा है। कॉलम और राउत के बीच का कनेक्शन जानना ईडी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि जेल के अंदर कोई सेन तो नहीं लगी। राउत के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक को लेकर ईडी राउत से पूछताछ करेगी। इस दौरान पता लगाया जाएगा कि यह उन्होंने ही लिखा और अवैध तरीके से जेल से बाहर कर दिया, या
इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना नेता पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ से विशेष अनुमति नहीं मिली तो राउत कस्टडी में रहते हुए कॉलम या आर्टिकल नहीं लिख सकते, लेकिन राउत को इस तरह की कोई अनुमति नहीं मिली थी। कॉलम में राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। अखबार के अनुसार महाराष्ट्र के स्वाभिमान से किसी ने खेल किया तो मराठी मानुष भड़क उठता है या इतिहास है। श्री कोश्यारी ने अपने एक भाषण में कहा कि गुजरात और मारवाड़ी लोग मुंबई में हैं, इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। गुजराती मारवाड़ी लोगों को बाहर निकाला गया तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा। राज्यपाल का यह बयान बिना उद्देश्य के कैसे हो सकता है? कॉलम में यह भी लिखा है कि मुंबई के गुजराती मारवाड़ी समाज के लोगों को भी श्री कोश्यारी का यह बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने राज्यपाल के भाषण की निंदा की। अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति का उल्लेख राष्ट्रपत्नी के तौर पर करते हुए जो गुस्से से लाल हो गए थे, उन्होंने महाराष्ट्र और शिवाजी के अपमान के बारे में विरोध भी नहीं जताया। यह भी महाराष्ट्र का अपमान ही है। कॉलम में राउत ने ईडी का भी जिक्र किया है, साथ ही राज्यपाल से मामले में दखल देने के लिए कहा गया है। लिखा गया है कि मराठी लोगों के शक्कर कारखाने, कपड़ा मिलों और अन्य उद्योगों को ईडी ने ताले लगा दिया और मराठी उद्यमियों के पीछे जांच लगा दी। राज्यपाल महोदय, कभी इस पर भी बोलिए, पैसा मिले उस मार्ग से मिलने का अवसर आज एक ही प्रांत और समुदाय को मिल रहा है, लिहाजा मुंबई की ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है। पटना में तेजस्वी यादव के साथ गुपचुप मिलने मिलाने का खेल तो जमाने से चल रहा था, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर सोनिया गांधी से भी बातें शुरू हो गई। 15 दिनों में 3 बार दोनों के बीच फोन पर बात हो चुकी है। 9 अगस्त को एक तरफ आरजेडी के विधायक दल की बैठक होगी तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मतलब साफ है कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ दगाबाजी करने जा रहे हैं। बहाना यह कि भाजपा ने आरसीपी सिंह मामले में कुछ कहा नहीं। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी आरसीपी सिंह को निपटाने में लगी हुई है। नीतीश को इस बात की आशंका थी कि जिस तरह का खेल बिहार में चिराग पासवान के साथ हुआ और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिन गई, कहीं उनका भी वही हाल न हो जाए। इसी बहाने से नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी की गोद में बैठना चाहते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि काठ की हांडी दूसरी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, लेकिन खेल सियासत का है इसलिए जारी है। भाजपा और जेडीयू के बीच रिश्तों में कड़वाहट तब ज्यादा आ गई जब यह बात सामने आ गई कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार सोनिया गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। इस संदर्भ में प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि बड़े नेताओं के बीच समय समय पर बातचीत होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और सोनिया गांधी के बीच बात हुई है कि नहीं, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि नीतीश और सोनिया की बातचीत के बाद ही आरजेडी के प्रतिशोध मार्च में कांग्रेस शामिल हुई थी। बिहार में बदलते सियासी समीकरण के बीच आरजेडी और जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। पहले आरजेडी की बैठक होगी, उसके बाद जेडीयू की। आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक राबड़ी आवास में होगी और फिर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों पार्टियों ने किस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। इस बीच ललन सिंह ने आरसीपी सिंह मामले को लेकर भी इशारों में भाजपा पर निशाना साधा। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जदयू के खिलाफ साजिश कर रहे थे और चिराग पासवान मॉडल जैसा दूसरा मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जेडीयू नेता ललन सिंह किस पर आरोप लगा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सियासत में सुपर फ्लॉप रहे उद्धव ठाकरे बैठे ठाले क्या करते। शिवसेना तो पहले ही एक तरह से तबाह हो चुकी है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने बैठे ठाले पत्रकारिता शुरू कर दी है। संजय राउत के अंदर जाने के बाद सामना के मुख्य संपादक का जिम्मा भी संभाल लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संपादकीय लिखा है उससे लगता है कि पत्रकारिता में भी उन्हें काफी पसीने बहाने होंगे। सामना की कमान संभालते ही उद्धव ने गांधी वाड्रा परिवार को मक्खन लगाना शुरू कर दिया और महंगाई के खिलाफ गांधी वाड्रा के सियासी स्टंट को उन्होंने महान संघर्ष साबित कर दिया।
सामना में उद्धव ने कांग्रेस की तारीफ की है तो ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी की बखिया उधेड़ी। उद्धव ने संपादकीय में विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछा कि महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस के आंदोलन में दूसरी पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं उतर रही हैं। सामना में आगे लिखा गया है कि पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। प्रियंका गांधी को तो पुलिस खींचते और घसीटते हुए ले जा रही थी। राहुल गांधी ने निडर होकर कहा कि मैं आपकी ईडी से नहीं डरता, चाहे जो कार्रवाई करो। महाराष्ट्र में संजय राउत पर इसी तरह से बदले की कार्रवाई होते ही शिवसेना ने आक्रामक भूमिका निभाई, लेकिन विपक्ष के अन्य नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। संपादकीय में आगे लिखा गया कि यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक है। ईडी का उपयोग करके राज्यों की सरकार गिराई और बनाई जाती है। इस रास्ते का इस्तेमाल करके महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी आवाज दबा दी जाती है। यह काले इतिहास में दर्ज होगा, यह आज दुम दबाने वालों को ध्यान रखना चाहिए। उद्धव ने पहली बार ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। उद्धव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस जब सड़क पर उतरी तो शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में थी और उनके राज्य का जीएसटी बकाया मिले इसका अनुरोध कर रही थी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में छिटपुट वजहों के कारण उन्होंने वोट नहीं दिया, यह बात हमें गंभीर लगती है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई की राजनीतिक कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। उसका यह परिणाम नहीं होगा, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी को भी ईडी ने घेर लिया है। फिर भी वे महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतर संघर्ष कर रहे हैं। उद्धव ने नसीहत दी है कि ऐसे समय में सभी मतभेद भुलाकर विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। विपक्ष के बिखराव में ही भाजपा की ताकत है। अन्य विरोधियों के लिए यह सबक है। कोई सही में भयमुक्त है तो उसे यह सबक लेनी चाहिए। ईडी ने 31 जुलाई को संजय के घर पर छापा मारा था। संजय राउत पर पीएमएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी की टीम ने संजय के घर सुबह 8 बजे छापा मारा था। शाम तक सर्चिंग की गई थी। बाद में ईडी की टीम संजय को लेकर दफ्तर पहुंची थी। यहां 6 घंटे से ज्यादा संजय से पूछताछ की गई। उसके बाद ईडी ने आधी रात में संजय की गिरफ्तारी दिखाई थी। दूसरे दिन 1 अगस्त को ईडी की टीम संजय को कोर्ट लेकर पहुंची थी। तब से संजय 8 अगस्त तक की कस्टडी में चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल इन दिनों सुप्रीम कोर्ट से नाराज चल रहे हैं। वजह यह कि कोर्ट उनकी दलीलों को सुनकर उनके मुताबिक फैसले नहीं करती। इसलिए कांग्रेस से खदेड़े गए कपिल सिब्बल को अब सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं रह गया। माना जा रहा है कि असल में कपिल सिब्बल चाहते हैं कि जज भी उनकी मर्जी का हो और फैसला भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी धौंस पट्टी चल नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों को लेकर सिब्बल ने अपनी असहमति दर्ज कराई और नाराजगी व्यक्त की। गुजरात दंगा मामले में याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करने को लेकर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखने के फैसले की भी आलोचना की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार दिए गए थे। दोनों ही मामलों में कपिल सिब्बल को कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा था। कपिल सिब्बल ने आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि फैसला सुनाए जाने के बावजूद जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और उस स्वतंत्रता की मांग करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले कुछ न्यायाधीशों को सौंपे जाते हैं और फैसले की भविष्यवाणी पहले से ही की जा सकती है। लॉ वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हालिया पीएमएलए फैसले को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बेहद खतरनाक हो गया है और उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं को पार किया है। उन्होंने कहा कि मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ने कहा था कि पीएमएलए एक दंडात्मक कानून नहीं है, जबकि अपराध शब्द सहित पीएमएलए के तहत अपराध से प्राप्त संपत्ति की परिभाषा दंडनीय है। पिछले महीने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी सिब्बल ने कोर्ट से असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है उसके लिए संस्था के कुछ सदस्यों ने हमें निराश किया और मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारतीय राजनीति के पलटू राम यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा को धोखा देने के लिए तैयार हैं। हर बार अहम चुनाव से पहले वो पलटी मारते हैं और जिस दल के साथ होते हैं उसका साथ छोड़ दूसरे के साथ चले जाते हैं।
2024 लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से वही करना चाहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश के लिए राहें उतनी आसान नहीं हैं। वजह है राज्य में भाजपा का बढ़ता जनाधार और मोदी शाह की रणनीति। इसकी वानगी भी उस वक्त देखने को मिली जब LGPR के मुखिया चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा करते हुए बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। चिराग पासवान ने दावा किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मध्यावधि चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं। चिराग ने कहा कि इस समय कोई नहीं जानता कि बिहार में क्या होने वाला है। भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत के बाद अपनी सीट सुरक्षित करने में कामयाब रहें, फिर भी वो 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन के नेता आत्महत्वाकांक्षी हैं, जिस कारण मध्यावधि विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। यही नहीं, चिराग ने नीतीश कुमार की तुलना कंस से कर दी। चिराग ने कहा कि कंस की तरह खुद को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कितनों का राजनीतिक वध किया है। नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है, वो मामा कंस की तरह माँ देवकी के हर पुत्र का वध करते गए सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले मुझ पर हमला किया और अब RCP सिंह पर, लेकिन इस बार पाला बदलना भी काम नहीं आएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश फिलहाल पलटी मार योजना लागू करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित कर लेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए चिराग मॉडल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पासवान ने कहा कि चिराग मॉडल राज्य के विकास के लिए है। चिराग ने कहा कि हम बिहार पहले में विश्वास करते हैं, नीतीश मॉडल क्या होगा उनको ये बताना चाहिए। नीतीश मॉडल बेरोजगारी, बाढ़, सूखा, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब, त्रासदी आदि के लिए है। जेडीयू नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या है नीतीश मॉडल। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 25 लाख लोगों ने चिराग मॉडल अपनाया। अगर नीतीश कुमार को इस पर आपत्ति है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राज्य के 13 करोड़ लोग इसे अपना रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने ललन सिंह के इस बयान से बेहद नाराजगी जताई कि चिराग मॉडल की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर पहुंच गई। गौरतलब है कि ललन सिंह ने दावा किया कि विशेष राजनीतिक दल ने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची और चुनाव में चिराग पासवान के माध्यम से उन्हें कमजोर किया। चिराग पासवान ने LGP उम्मीदवारों को सिर्फ उन्हीं सीटों पर टिकट दिया था जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। बता दें कि बिहार में तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। हालांकि फोन पर हुई बातचीत का पूरा विवरण अभी पता नहीं चला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लगभग एक महीने से लंबित महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा आखिरकार तय हो गई। खबरों के अनुसार 9 जुलाई यानी मंगलवार को शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल शपथ लेगा। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार में 15 मंत्री हो सकते हैं। ये सभी कल सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय का अहम जिम्मा सौंपा जा सकता है, यानी शिवसेना नेता संजय राउत से लेकर NCP नेता नवाब मलिक तक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संजय राउत जहां पात्रा चाल घोटाले में फंसे हैं, तो वहीं नवाब मलिक पर डॉन दाऊद अहमद के गुर्गों से साठगांठ कर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ 30 जून को ली थी, लेकिन तब से सरकार 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के रूप में काम कर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि राज्य में कैबिनेट न होने की वजह से जरूरी कामकाज तक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दावे तो यहां तक थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों के अयोग्यता के नोटिस और शिवसेना पर शिंदे या ठाकरे में से किसका दावा सही या फैसला नहीं कर देता, तब तक इसी तरह मंत्रिमंडल विस्तार रुका रहेगा। लेकिन अब इन सभी दावों पर विराम लगाते हुए शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मुंबई स्थित राजभवन में शिंदे गुट और BJP के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना पूर्व नियोजित नांदेड़ दौरा भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा आगामी 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र भी आयोजित किया जाएगा। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए BJP और शिवसेना के शिंदे गुट के नामों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। BJP के 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्री शपथ लेंगे। BJP की तरफ से प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, रविन्द्र चव्हाण जैसे फडणवीस समर्थकों की मंत्रिमंडल में एंट्री को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चंद्रशेखर बवनकुले, चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुन गंटीवार जैसे BJP के पूर्व मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। दूसरी ओर उद्धव सरकार से इस्तीफा देकर आए कैबिनेट मंत्री शिंदेगुट की तरफ से दीपक केसरकर, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, अब्दुल सत्तार और बच्चू कडू मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर रही। अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में इसलिए देरी की जा रही है क्योंकि शिंदे फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हम लगातार CM से कैबिनेट विस्तार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में भारी बारिश और किसानों के मुद्दे भी सिर उठा रहे हैं, लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तब तक सरकार में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। इस पर फडणवीस ने अजीत पवार के इन तंजों का जवाब देते हुए कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं, उन्हें यह सब कहना ही पड़ेगा। अजीत दादा अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि जब वे सरकार में थे तब पहले 32 दिन सिर्फ 5 मंत्री ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।